बात करेंगे धनबाद के निरसा की। निरसा में पेयजल समस्या जो है वो काफी गहराता जा रहा है। बता दें कि मेगा जलापूर्ति योजना के तहत टहल कंपनी द्वारा गांव में पाइप लाकर रख दिया गया है, लेकिन 4 माह बीत जाने पर भी गांव में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। बता दें कि पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में शुक्रवार को लोगों ने सप्लाई पेयजल की मांग को लेकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में सप्लाई पानी की व्यवस्था नहीं है, दूर से काफी जद्दोजहद के बाद पानी का जुगाड़ हो पाता है, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई है। पानी की समस्या सर रहमतनगर में बहुत ज्यादा, इसका लेके हम माननीय मंत्री महोदय से मिले, मिथिलेश ठाकुर जी से। 27 अगस्त को हम विज्ञापन भी दिए, इसके बाद वो हमको आश्वासन दिया कि बहुत जल्द पानी का काम हो जाएगा। वहाँ से धनबाद PHD में खबर किया, स्कूटिप साहब SDO को भेजे। आज दो दिन के बाद पाइपलाइन यहाँ पाइप गिराया गया, 27 पीस गिरा के 4 महीना से छोड़ दिया गया। इसके लिए हम धनबाद स्कूटिप को भी बोले, ठेकेदार को भी बोले, टहल कंपनी का ठेकेदार है, वो आज तक खाली आश्वासन दे रहा, काम नहीं हो रहा। इससे ग्रामीण को बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है।